हाँ संत, हाँ सभी लोगों का भाई वेलकम। और मैं शुरुआत करता हूँ क्लास को, और ये क्लास है आप लोगों की स्पेशल एजुकेशन में। एक बार म्यूट हो जाइएगा आप लोग, अभी मैं लास्ट में आप लोगों से जो आपका डाउट वगैरह होगा मैं पूछ लूँगा अभी आपसे, है ना। तो मैं आप लोगों से लास्ट क्लास में हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में बताया था थोड़ा सा, और हियरिंग इम्पेयरमेंट में आपको ये समझाया था कि जब कोई व्यक्ति बाह्य वातावरण की ध्वनि को सुनने में या दूसरे की बात को सुनने में असमर्थ व्यक्त हो जाता है ऐसी कंडीशन पर, तो हम लोग उसे बोलते हैं कि यह व्यक्ति जो है श्रवण अक्षमता वाला व्यक्ति है, या श्रवण दोष कह देते हैं, या उसे हम हियरिंग इम्पेयरमेंट बोल देते हैं। तो मैंने एक परिभाषा के अनुसार या उसके आधार पर मैंने विभिन्न तरीके से आप लोगों को क्लियर किया था कि श्रवण दोष के कौन कौन से टाइप होते हैं। उन्हें टाइप में आप लोगों से आज बताने चल रहा हूँ। एक आपका मिलेगा कंडक्टिव लर्निंग, जिसको आप चालकीय बोलते हैं, और एक आपको मिलेगा मिश्रित श्रवण दोष, जिसको आप मिक्स्ड हियरिंग लॉस बोलते हैं। एक मिलेगा आपका संवेदी है, संवेदी का मतलब होता है यहाँ पर सेंसरी हियरिंग इम्पेयरमेंट से लिया गया है। यहाँ आपसे अगर कोई प्रश्न बनता है कि अगर मान लीजिए कितनी डेसिबल पाया जाता है चालक में, तो 10 dB पाया जाता है इसमें, और 10 dB प्लस होता है इसमें, 10 dB से अधिक होता है। और मिश्रित में अगर पूछा जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने अभी अच्छा अभी आपको मिलने वाला है कि एयर कंडेशन क्या होता है और बोन कंडक्शन क्या होता है। इन दोनों में जब असामान्यता हो जाती है और इनकी बीच की जो दूरी होती है वो 10 dB हो गई, तो यहाँ पे बीच की दूरी की बात करता है तो 10 dB की बात करता है। तो प्रश्न बनता है कि अगर मान लीजिए 10 dB से अधिक है या दूरी की बात कर रहा है जहाँ पर बीच की दूरी बताया जा रहा है, तो वो कौन सा श्रवण दोष हो जाएगा। ऐसे प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, है ना। थोड़ा सा समझिए यहाँ पर। और संवेदी अगर तंत्रिका की बात करूँ तो ये यहाँ जो बात होती है 10 dB की, यहाँ पर भी बात होती है, लेकिन इसमें किन चीज़ों की बात होगी, एयर कंडीशन और बोर कंडीशन की। इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है यहाँ पे 10 dB से कम होगी, तो जहाँ पर 10 dB से कम होगा, 10 dB से कम होगा बीच की दूरी, 10 dB से कम होगी, वो होगी आपका सेंसरी। और अगर आपसे कहा जाए कि दोनों की अगर बीच में जो है 10 dB अधिक है, तो उसको बोला जाएगा मिश्रित। तो यह प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक आपसे पूछा जाता है केंद्रीय श्रवण दोष के बारे में। तो जो केंद्रीय श्रवण दोष होता है, ये केंद्रीय श्रवण दोष होता क्या है बेसिकली, पहले तो ये समझ लीजिए। ये एक प्रकार से जैसे संक्रमण के कारण जब मस्तिष्क में, ठीक है भाई, जब मस्तिष्क क्या होता है प्रभावित हो जाता है, ऐसी कंडीशन पर मस्तिष्क प्रभावित होता है और कारण बताया जा रहा है आपको संक्रमण या कोई चोट, तो वह रखा जाता है केंद्रीय श्रवण दोष के अंतर्गत, वह रखा जाता है केंद्रीय श्रवण दोष के अंतर्गत, ठीक है। तो समस्या से ग्रसित व्यक्ति सोच समझ जो सकता है, ऐसी गतिविधियों में वहां पर उसको दिक्कत आने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है, तो यह नाम दिया जाता है केंद्रीय को। तो केंद्रीय में कोई ऐसी dB वगैरह नहीं मेंशन की गई है कि कितना dB कम कितना dB अधिक, जैसे तरीके से आप ये 3 में देख रहे हैं, तो मुख्य रूप से ये 3 ही पाए जाते हैं, बाकी अन्य में रखे जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपको यहाँ पे 2 दिख रहे हैं वो अन्य में रखे जाते हैं। तो ऐसे में आप ये ध्यान रखिए कि संक्रमण चोट के कारण अगर मस्तिष्क का 21वां भाग या 22वां भाग जो होता है वो अगर प्रभावित होता, तो वो बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि हमें ये केंद्रीय श्रवण दोष के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है, सेंट्रल हियरिंग लॉस, ठीक है ये। और एक है कार्यात्मक, ये एक प्रकार के फंक्शनल से रिलेट करता है। कार्यात्मक किससे रिलेट करता है, फंक्शनल से। और आप भली भांति तरीके से जानते होंगे जहाँ पर क्रिया के आधार पर कोई श्रवण दोष हो रहा है, ठीक है, क्रिया के आधार पर किया जा रहा है, तो वो फंक्शनल हो जाता है। और मैंने लास्ट वाले में आपको बताया भी था नॉन ऑर्गेनिक जो होता है, नॉन ऑर्गेनिक हेयरिंग लॉस के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, वह एक पार्ट बन गया था आपका फंक्शनल हेयरिंग लॉस का, ठीक है। जैसे अवांछनीय पदार्थ कान के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर देखने को मिल सकता है श्रवण दोष, और उसी को बोला जाता है, आप लोग बोल सकते हो अकायकी। अकायकी का मतलब होता है नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं अभी एक एक करके चर्चा करूँगा तो आप शायद अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए देखिए, यहाँ पर नंबर एक पॉइंट पर अगर मैं बात कर रहा हूँ चालकीय श्रवण दोष के बारे में। चालकीय श्रवण दोष एक प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं, ये एक वातावरण के आधार पर या आप विभिन्न प्रकार के संक्रमण के कारण
आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि चालकीय सर्वणदोष पाया जाता है, और चालकीय सर्वणदोष को ही कहा जाता है चलित सर्वणदोष कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो चालकीय सर्वणदोष या कंडक्टिव हियरिंग लॉस कह सकते हो। इसमें आपको बताऊं, एडियोग्राम में बोन कंडक्शन जो होता है सामान्य होता है। यहाँ पर बोन कंडक्शन बताइए कहाँ सामान्य होता है, बोन कंडक्शन कहाँ पे सामान्य होता है बीसी, तो आप कहेंगे चालकीय में सर सामान्य होता है। ठीक है, तो इसकी सीमा सामान्य होती है। एयर कंडक्शन जो होता है यहाँ पर, एसी जो होता है वो असामान्य होता है। अच्छा, एसी बीसी क्या है, अभी आप लोग इसके बारे में जानेंगे जब आप पढ़ेंगे थोड़ा सा कान की संरचना के बारे में। मैं अभी आप लोगों के कान की संरचना के बारे में भी चर्चा करूँगा आप लोगों से, है ना, वो चीज़ भी आपको अभी बताऊँगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है ना। अच्छा, अब आपने देख रहे हैं कि बीसी यहाँ पर क्या है, सामान्य सीमा में रह रहा है। एसी जो है आपका किस में, असामान्य सीमा में रह रहा है। तो जो एसी और बीसी है इनकी बीच की दूरी अगर मैं कहूँ तो 10 डेसीबल से अधिक होता है, 10 डेसीबल का अधिक होता है यहाँ पर, इन दोनों के बीच की दूरी 10 dB से अधिक होता है। तो यह एक प्रकार की दोष माना जाता है। देखो, इस प्रकार का जो दोष होता है श्रवण दोष ने खराबी वाहे या मध्य कान के हिस्से में हो जाता है। तो मैं जब आप लोगों को मध्य कान के बारे में बताऊंगा तो आप तुरंत इन चीज़ों के बारे में सोच लेना कि जो मध्य कान का पार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये चीज़ें बता रहा है यहाँ पे कि एसी क्या है और बीसी क्या है, इन दोनों के बीच में जो थोड़ा सा असंतुलन बनता है वही रिप्रेजेंट कर देता है आपका चालकीय सर्वण दोष के बारे में। और यह जिसके वातावरण की आवाज़ पूरी तरह से अंतः कान में नहीं जा पाती है या वह नहीं पहुंच पाती है तो आप उसका नाम दे देते हो या चालकीय है। इसमें मैं आपको बताऊं कुछ टाइप पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बीसी के अंतर्गत, सॉरी चालकीय श्रवण दोष के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, कॉपी होगी तो आप जरूर उसे नोट करिएगा, मेंशन करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक नाम आता है अटेक्सिया, तो ऑप्शन में भी मिल सकता है अटेक्सिया क्या होता है ना, ऑप्शन में भी आप लोगों से ये चीज़ें मिल सकती है। तो ज़रा आप मुझे बताइए अस्टेसिया क्या होता है, अट्रेसिया क्या होता है, अट्रेसिया जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अट्रेसिया ये अट्रेसिया है ना, अट्रेसिया क्या होता है बताइए, अट्रेसिया क्या हो सकता है। चलो अच्छा मैं बता देता हूँ, देखिए ध्यान सुनिए, ये जो अट्रेसिया दिख रहा है ना आपको सामने, ध्यान सुनिए, ये वाह्य कान को पूरी तरह से ना होना, मतलब पिन्ना, आपने नाम सुना पिन्ना, अभी मैंने लास्ट वाली क्लास में बोला भी था सुमन से पिन्ना के बारे में, है ना, कि जब पिन्ना नहीं होता है या वाह्य कान को पूरी तरीके से नहीं होता है तो इसे हम बोलते हैं यह एक अट्रेसिया है, और यह चलित श्रवण दोष के टाइप में आता है। तो जिसमें बच्चों के वाह्य कान या कर्णपल्लव या वाह्य कान की नली उपस्थित नहीं होती है वह नाम बोला जाता है अट्रेसिया। तो ये एक लाइन में आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं ये चीज़ है कि नहीं, कि जहाँ पे वाह्य कर्ण या कर्ण पल्लव नहीं है तो उसका नाम है अट्रेसिया। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो आप जैसे मैल का होना, जिसको मैंने बोला था वैक्स का, है ना, मैल का होना, हाँ, तो ये वाह्य कान यदि पूरी तरह मैल से भरा होता है तो इसमें मनुष्य में चलित श्रवण दोष पाया जा सकता है। तो एक प्रकार से ये भी दोष माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान से यहाँ पे रख सकते हो वैक्स में। एक नाम और आता है फॉरगन बॉडी, जिसको बोलते हैं वाह्य वस्तु, वाह्य वस्तु, वाह्य वस्तु बोलते हैं इसे। और ये वाह्य वस्तु कहने का मतलब है कि जो वाह्य कान है, वाह्य कान में किसी छोटी वस्तु जैसे मटर का दाना, गोली आदि का जो प्रवेश हो जाता है वह आपका चलित श्रवण दोष का कारण माना जाता है। तो वाह्य वस्तु भी अगर कान में चला जाता है, लेकिन अभी अभी मैंने एक शब्द और भी बताया था आप लोगों से, नॉन ऑर्गेनिक हियरिंग लॉस का। मैंने कहा था कि जब किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना में क्षतिग्रस्तता ना होकर बल्कि कोई अवांछनीय पदार्थ कान के अंदर जमा होने में या जमा होने पर बधिरता आ जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अकायकीय श्रवण दोष कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन ऑर्गेनिक हेयरिंग लॉस। तो ये प्रकार का उसका भी पार्ट ये माना जाएगा, तो ये भी आप इसे बोल सकते हैं, है ना। एक और बात आपसे बता दूं कि कान का जो वाह्य कान है उस कान का संक्रमण,
तो बाह्य कान का संक्रमण का मतलब होता है कि यह एक प्रकार का संक्रमण होता है जो कान की सफाई का ध्यान ना देने पर या गलत तरीके से सफाई करने पर जो संक्रमण हो जाता है, तो वो भी एक प्रकार के चालकीय श्रवण दोष का कारण माना जाता है, तो वो भी एक प्रकार का माना जाएगा। वाह्य कान संरचना की या संक्रमण की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर कान की सफाई पर ध्यान ना दिया जाए या गलत तरीके से सफाई कर रहे हैं, तो वह एक प्रकार का संक्रमण हो सकता है। तो रीज़न बताया जाता है कि अभी चलित जो श्रवण दोष है, कंडक्टिव जो हियरिंग लॉस है, वो हो सकता है ये। कर्ण पटल में छिद्र, तो कर्ण पटल पर अगर छिद्र है तो भी माना जाता है। कर्ण पटल पर छिद्र या किसी प्रकार का छोटा या बड़ा छिद्र जो होता है, वो एक प्रकार से चलित श्रवण दोष का कारण माना जाता है। तो कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं, जैसे जोर से आवाज़, बम फटने का आवाज़ वहाँ से जो निकल रही है ध्वनि वो, या कान पर थप्पड़ मारने पर, या कोई नुकीली वस्तु कान में खोदने से, ऐसे भी हो सकता है। तो कर्णपटल में छिद्र जो है एक प्रकार के चलित का प्रकार माना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यह इम्पोर्टेंट है। और मध्य कान का संक्रमण तो आप जानते ही है, मध्य कान में संक्रमण कैसे होता है, जैसे कान की हड्डी की गल जाना, कान की हड्डी का टूटना, मध्य कान की में अगर ट्यूमर हो जाना, तो ये एक प्रकार से ये मध्य कान का संक्रमण जो है, रीजन जो है, वहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। जैसे पानी या मवाद भर जाता है जब कान में, तो वहाँ पे संक्रमण हो जाता है मध्य कान में। तो बैक्टीरिया या वायरस जो वायरल होते हैं, उन संक्रमण के द्वारा ये होता है बीमारी। तो वहाँ पे कान की हड्डी का गल जाना हो जाए, या कान की हड्डी टूट जाती है, या कान के या मध्य कान में ट्यूमर हो जाता है, तो इस तरीके का कंडीशन जो हमें देखने को मिलता है, वो हमें मिल जाता है मध्य कान के संक्रमण में। तो इतनी बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो जो चलित श्रवण दोष है वो होता कैसे कैसे है, एक अटेक्सिया के होता है, एक वैक्स यानी मैल का होना लिखा रहेगा, या तो ऑप्शन में मैक्स लिखा होगा, है ना। तो आप तुरंत समझ जाना कि सॉरी ये मैक्स लिख दिया मैंने, वैक्स होगा, WAX होगा, वैक्स होगा, ठीक है। या फॉरगन बॉडीज हो सकता है, या वाह्य कण का संक्रमण हो सकता है, या कर्ण पटल का छिद्र हो सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एक कंडक्टिव श्रवण दोष को रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। कंडक्टिव श्रवण दोष को ये रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ एक प्रकार से जो है बधिरता जीवन पर्यंत्र कभी भी हो सकती है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और बधिरता के कारण जानने के लिए हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि रीज़न क्या क्या हो सकता है। कि जब कोई व्यक्ति बाह्य वातावरण की ध्वनि को सुनने में या दूसरे की बात को सुनने में असमर्थ हो, तो रीज़न हो सकता है इन्हीं सभी वजह वजह यही सब हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, और यही होता है आपका। अच्छा, BC क्या होता है, AC क्या होता है, देखिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि एक जो BC है, उस BC का एक थ्रेशोल्ड होता है, थ्रेशोल्ड समान होता है, कान का एक पार्ट होता है थ्रेशोल्ड, तो वह समान होता है, वह समान होता है। और ये समान होने का रीज़न बता रहा है BC को, और कह रहा है कि एयर कंडक्शन का जो थ्रेशोल्ड होगा, अच्छा एयर कंडक्शन का थ्रेशोल्ड क्या होता है, AC का जो थ्रेशोल्ड होगा वो आपका असामान्य होगा, ये असामान्य है, और BC आपका जो थ्रेशोल्ड है वो आपका सामान्य है, और ये असामान्य है, ठीक है। ऐसी कंडीशन इन दोनों की जो बीच की दूरी बता रहा है, कह रहा है कि 10 dB से अधिक अगर हो जाता है, तो वो व्यक्ति एक प्रकार से कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत सरल है, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है। अब आपको देखिए यहाँ पर विशेषता दी गई है कुछ, कि चालकीय विशेषता क्या हो सकती है, जो चालकीय कर्ण बधिरता की विशेषता क्या है। यह श्रवण दोष अर्जित एक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है, अर्जित हो सकता है। अच्छा, अर्जित आप जानते हैं, उपार्जित बोला जाता है इसको। और मैंने एक चीज़ आपको लास्ट वाली क्लास में ये भी बताया था कि जन्म के बाद किसी प्रकार का चोट, संक्रमण या गंभीर बीमारी के कारण होने वाले जो दोष होते हैं, वो उपार्जित श्रवण दोष कहलाते हैं। और वही उपार्जित श्रवण दोष एक प्रकार का एक्वायर्ड माना जाता है। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड को ही क्या बोला जाता है, अर्जित बोला जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसमें व्यक्ति जो है धीरे धीरे बोलता है, इसमें व्यक्ति क्या बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, ये भी एक प्रकार का इसकी विशेषता बता देता है। श्रवण दोष के सौम्य, सौम्य का मतलब होता है माइल्ड लेवल, और मध्यम स्तर का भी हो सकता है, तो माइल्ड भी हो सकता है, मध्यम यानी मॉडरेटली सीवियर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक
ठीक है, बॉर्डर लाइन का व्यक्ति भी हो सकता है, सर्वर दोष बेसिकली यहाँ इन लेवल पर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कंडक्टिव के अंतर्गत सीवियर नहीं आएगा, ऐसा कोई कहा नहीं जा सकता कि सीवियर नहीं आएगा, ये भी हो सकता है, सीवियर भी यहाँ का इसका एक पार्ट बन सकता है सीवियर का भी, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि यह सर्वर जो दोष है वो परिवर्तनीय होता है, और कह रहा है कि कुछ समय के लिए भी हो सकता है, अर्थात इस दवाइयों के द्वारा या सर्जरी के द्वारा इसे ठीक भी किया जा सकता है। तो सर्वर दोष जो होता है, जो चालकीय सर्वर दोष होता है, अगर इसको ठीक किया जा सकता है, बट कैसे, दवाई के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से और सर्जरी के माध्यम से, ठीक है। अभी आप देखेंगे कुछ ऐसी भी डिसेबिलिटी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक किसे किया जा सकता है, दवाई और सर्जरी के माध्यम से, और माइल्ड और मॉडरेटली सीवियर किसके अंतर्गत आते हैं, तो यह एक प्रकार का कंडक्टिव में आते हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आगे हम बात कर देते हैं, तो ये थे सर्वर दोष के बारे में, संवेदी। अच्छा, आप देखिए संवेदी तंत्रीय, जो तंत्रीय दोष होता है ये होता क्या है, तो यानी अब आप पढ़ने चल रहे हैं सेंसरी हियरिंग लॉस के बारे में, इतनी बात अच्छा बताई जरा, कहीं अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही बताइए जरा। देखो प्रश्न पूछेगा आपसे, ऐसे पूछेगा कि वाह कर्ण पूरी तरीके से ना होना, ठीक है, वाह कर्ण पूरी तरीके से ना होना, सरल जो चलित सर्वर दोष है निम्न में से किस कारण को प्रस्तुत करता है, ऐसे प्रश्न बनेगा, अटैक्सिया। हाँ, अगर आपसे प्रश्न ऐसे बने कि अगर किसी सर्वर दोष व्यक्ति के अंदर कान में मटर का दाना चला जाता है, तो यह एक प्रकार की वाह्य वस्तु को प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर दोष का प्रकार बनेगा, चलित, संवेदी, मिश्रित, या आपको लिख देगा अकादई। अकादई का मतलब एक प्रकार से, अभी अभी मैंने आप लोगों से बता दिया है कि वह क्या कहलाता है, आप सबका नॉन ऑर्गेनिक हेयरिंग लॉस। अवांछनीय पदार्थ कान के अंदर चला जाना बधिरता का कारण बन जाता है, बधिरता का कारण बन जाता है, वाह्य वस्तु को चला जाना, ये प्रकार से आपका क्या बनेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, वही होगा आपका नॉन ऑर्गेनिक हेयरिंग लॉस, यहाँ से ऐसे प्रश्न बनेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं संवेदी के बारे में, जितने फैक्ट बता रहा हूँ कॉपी पर अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हमने ये टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, अगर ऐसे से आप लिख रहे होंगे तो आपके लिए ही वो सकारात्मक होगा, वांछनीय होगा आप सबके लिए, है ना, तो उसका आप ध्यान रखें। आगे अगर हम बात करें तो संवेदीय तंत्रिकीय दोष के बारे में बात करें, तो संवेदीय में क्या होता है कि इसमें देखो विभिन्न प्रकार की जैसे बीमारियां होती हैं, जैसे पीलिया का होना, ठीक है, समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, अत्यधिक दवाओं का सेवन कर लेना, अल्कोहल, रूबेला इत्यादि जैसी बीमारी, जन्म के समय बच्चे के सिर में चोट लग जाना, ऑक्सीजन की कमी का होना, ये रिप्रेजेंट कर देता है आपका संवेदीय दोष के कारण को, संवेदीय दोष के कारण को रिप्रेजेंट कर देता है ये। और आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार के सर्वर दोष में कान खराब कान के आंतरिक भाग की बात हो रही है, मैं आपसे बात मध्य भाग की नहीं कर रहा हूँ, और मध्य भाग में आप लोग भली भांति तरीके से समझ चुके हैं कि भाई उसमें कान की हड्डियों का गलना होता है, कान की हड्डियों का टूटना होता है, मध्य भाग में ट्यूमर हो जाता है और एक ऐसी बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण हो जाता है, और उन्हीं वायरल के कारण ही मध्य कान में पानी या मवाद भर जाता है, तो जिसके कारण कान में दर्द होने लगता है और सुनाई कम देने लगता है, तो विभिन्न प्रकार की स्थितियां हमारे सामने देखने को मिल जाती हैं, तो वो मध्य कान के अंतर्गत देखने को हमें वो चीज़ें आ जाती है। बट यहाँ पर संवेदी में बात कर रहा हूँ आंतरिक भाग, अथवा यहाँ पर देखिए एट कॉर्नियल नर्व्स हो सकता है। अच्छा, ये है क्या, इन सब के बारे में थोड़ा सा भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ये चीज़ें क्या होती हैं। देखिए यहाँ एक चीज़ बताना आप लोगों को बताऊँगा कि जब एयर कंडक्शन, आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा, जब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन, और बोन कंडक्शन यहाँ पर दोनों के दोनों असामान्य है, लेकिन आप जरा मुझे बताइए, वहाँ आप लोग ये पढ़ रहे थे कि जो बीसी है वो आपका सामान्य था और जो एसी था आपका वो आपका असामान्य था,
वहां पर देख रहे थे। लेकिन जब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असमान हो जाए और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी डस्ट डेसिबल से कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन पे संवेदी श्रवण दोष हो जाता है। और यहाँ पर संवेदी श्रवण दोष होने का एक तात्पर्य बताया जा रहा है कि एक कर्नियल नर्व में हो सकता है ये कंडीशन, और आंतरिक कान में खराबी हो जाने के कारण, ठीक है। और यानी वही चीज़ें हैं जो आपका कर्नियल नर्व है, वही चीज़ अभी आप कान की संरचना पढ़ेंगे तो कर्नियल जो नर्व मिलेगा आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा अभी, है ना। और यह आंतरिक कान में अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखना इसके बारे में कि ये होने का जो रीजंस, अगर इस बीमारी को अगर ठीक किया जाए तो किस माध्यम से किया जाए, ये आप इसको ध्यान रखना। तो ये चिकित्सकीय और शल्य क्रिया और पुनर्वास के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न बनने के ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं प्रबंधन से। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट आप भलीभांति तरीके से जानते होंगे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान रखना कि जब संवेदी श्रवण दोष में शल्य और चिकित्सीय उपाय जब हम इसको लगाते हैं तो वह लाभदायक हो सकता है और कुछ हद तक हम उसको सुधार भी सकते हैं। तो इस प्रकार के दोष का प्रबंधन पुनर्वास विधि के द्वारा भी किया जा सकता है। तो पुनर्वास के अंतर्गत बच्चा हो या कोई व्यक्ति को श्रवण यंत्र दिया जाता है, तो जिससे वे वाणी और भाषा का विकास या संक्रमण व संप्रेषण कम्युनिकेशन वो कर सकता है। तो श्रवण यंत्र जो होता है वो व्यक्ति के सुनने की क्षमता के आधार पर दिया जाता है। और यदि जन्म से पहले उस बच्चे में संवेदी श्रवण दोष हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, भाषा सीखने में जब कठिनाई देखते हैं तो उसको हम विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे हम उसे स्पीच थेरेपी वगैरह यहाँ पे ला सकते हैं। तो विशेष विद्यालय की स्थापना कर सकते हैं, विशेष चिकित्सा की स्थापना कर सकते हैं या विशेष चिकित्सा उसे दे सकते हैं। इस तरीके की कंडीशन जो है लागू हो जाती है संवेदीय में। तो ध्यान रखिएगा, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, प्रबंधन, शल्य, पुनर्वास, शल्य का मतलब होता है सर्जरी, आप समझ सकते हैं, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इन व्यक्तियों को सुधार सकते हैं। और यह रिप्रेजेंट करता है बीमारियों से, होता कैसे, अत्यधिक दवा का सेवन, पीलिया का हो जाना, समय से पहले अगर जन्म ले लिया, रुबेला इत्यादि जैसी बीमारी हो जाती, इसके माध्यम से हो जाता है ये बीमारी, और इसको हम ठीक कर सकते हैं। या अब मान लीजिए इसको हम जैसे ठीक नहीं कर पाएंगे तो उसे पुनर्वासित कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, एसी बीसी को आप यहाँ पर दोनों के दोनों जो होंगे वो सामान्य होंगे, वह असामान्य होंगे, दोनों के दोनों असामान्य होंगे। और यहाँ पे 10 डीबी से कम होगा, जो त्वरित ध्वनि होगी एक प्रकार से वो 10 डीबी से कम होगा, ना आप इसको कहना अधिक होगा ना ही बराबर होगा, ये कम होगा, ये चीज़ ध्यान रखना ये लो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग यहाँ पर संवेदी तंत्रिका के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। हाँ, उसमें 10 डीबी से अलग अधिक होगा चलित में, 10 डीबी से अधिक होगा चलित में, और 10 डीबी से कम होना या आपका संवेदी में कहा जाएगा। एक बात और, संवेदिक इसकी विशेषता क्या है, देखो यह एक प्रकार के जन्मजात अर्जित किया हुआ श्रवण दोष हो सकता है, भाई रीजन है रुबेला अल्कोहल अत्यधिक सेवन कर रहे थे तो अर्जित हो गया। और अंतःकरण में यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ, ऑडिटरी नर्व की समस्या देखने को मिलती है। तो अंतःकरण में देखो, अभी तक आप वहाँ पे पढ़ रहे थे बाह्य कर्ण के बारे में, लेकिन अंतःकरण के अंदर अगर कोई बीमारी होती है तो जो बधिर कहलाएगा तो निम्नलिखित में से किस पर आपको पॉइंट बताएगा, तो बेसिकली ऑडिटरी नर्व होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑडिटरी नर्व जो होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, सेंसरी ये के अंतर्गत आएगा, इसका आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यह श्रवण दोष दोनों कानों में होता है भाई, पहली बात तो ये, तो यहाँ आपको बताऊँ जरूरी नहीं कि केवल एक ही कान में हो, ये दोनों कानों में होता है श्रवण दोष, ठीक है ना। और जो दोनों कानों में होता है श्रवण दोष वो क्या कहलाता है, आपका सेंसरी कहलाता है। तो एक बात ये भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों कानों में हो सकता है। और यह श्रवण दोष अपरिवर्तित, देखो वहाँ पर आप देख रहे थे परिवर्तनशील प्रक्रिया, और परिवर्तनशील प्रक्रिया जो होती थी वो अस्थायी होती थी, वो किस में होता, अब ये प्रश्न नहीं बनेगा परिवर्तनशील है कि अस्थायी है अस्थायी है, प्रश्न जहाँ से बन रहा है, जहाँ से बनेगा वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखिए। बट इतना ध्यान रखिए कि यह परिवर्तनीय होता है और अस्थायी श्रवण दोष होता है ये, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आप सोच रहे होंगे कि जो अस्थायी श्रवण दोष होगा फिर सर उसमें सुधार कैसे होगा, भाई उसमें सुधार होगा, सुधार होने का मतलब वहाँ पर जो चीज़ें दी गई थी पुनर्वास, एक शब्द मैंने बोला था आप लोगों के लिए पुनर्वास, तो पुनर्वास यहाँ पर काम आएगा, है ना।
पुनर्वास, जो चीज़ अस्थाई है पुनर्वास होगा उसके लिए, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब एक देख रहे हैं आप मिश्रित श्रवण दोष, इसके बारे में देख लीजिए। मिश्रित श्रवण दोष क्या होता है, देखो ये मिक्स्ड हियरिंग लॉस जो होता है वो एयर कंडक्शन, ठीक है मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और बोन कंडक्शन, बीसी बोन कंडक्शन है ना भाई, एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, अब ये दोनों असमान इसमें भी होगा, दोनों असमान होगा लेकिन जो दूरी होगी वो अधिक होगी। बताइए ये बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, ये जो दोनों आ रहा है आपका अधिक होगा कि नहीं होगा 10 dB, बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ऊपर मैंने सबसे जो चलित बताया था वो आपका बताया एसी सामान्य है, बीसी असामान्य है और 10 dB से अधिक है। मैंने आपको जब संवेदी बताया एसी और बीसी दोनों असामान्य है लेकिन 10 dB कम बताया, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि एसी बीसी दोनों भी असामान्य है लेकिन यहाँ पर 10 dB, यहाँ पर 10 dB मैंने कम बताया था, तो यहाँ 10 dB क्या बता दूंगा, अधिक बता दूंगा, है ना, 10 dB अधिक, तो ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज बताऊं, ये होता क्या है मिश्रित, होता क्या है, देखो यह इस प्रकार का दोष जो है ये मध्य और अंत, अभी आपने देखा वाह कर्ण की वजह से कौन सी बीमारी हो रही थी, कहाँ कौन से कारण दिखाया जा रहा था, चलित को दिखाया, कंडक्टिव को दिखाया जा रहा था, जो अंतःकर्ण का हो रहा था बीमारी या क्षति हो रही थी तो आपको मैंने क्या बताया था अंतःकरण में, बताइए जरा, सेंसरी। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ क्या, हाँ यहाँ पर क्या बताऊँगा आप ध्यान रखें, हाँ दोनों में, शाबाश, यहाँ पर अगर मध्य और अंतः दोनों होगा तो यह रिप्रेजेंट होगा, लेकिन आप किसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में कि ये मध्य वाला है ये कर्ण वाला है, ठीक है, देखिए जरा, देखिए अब इसको समझिए जरा अच्छे से। देखिए यह जो संवेदी श्रवण, क्योंकि ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड का मतलब होता है कि जाहिर सी बात इसमें दो चीज़ें मिक्स होंगी, है ना, मिला होगा, हाँ मिला होगा, तो मिला होने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आपका चलित और संवेदी श्रवण दोष दोनों प्रकार की जो जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं उन्हीं समस्याओं को बोला जाता है मिश्रित श्रवण दोष बोला जाता है। उसी प्रकार से चलित और संवेदी दोनों के कारक मिलकर मिश्रित श्रवण दोष के कारक बनाते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कर्णपटल में छेद, संक्रमण, कान में मैल का होना, कान का ट्यूमर, दुर्घटना, पीलिया, अत्यधिक दवाओं का सेवन करना, कर्णपटल पर छिद्र, कान की हड्डियों का गलना, कान की हड्डियों का टूटना, कान में एक ट्यूमर हो जाना, ये सारे के सारे दोनों जो होते हैं ये आपका वाह कर्ण का हो जाएगा या आपका चलित श्रवण दोष के अंतर्गत आ जाएगा। और ये सभी कारक जो हैं ये कभी कभी अन्य प्रकार के श्रवण दोष से अधिक गंभीर समस्या उत्पन्न कर देते हैं, तो इनका प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना बड़ा कठिन हो जाता है, टफ हो जाता है ऐसी कंडीशन पर, है ना। और ऐसी इसको अगर हमें ठीक करना है तो आप कैसे करेंगे, इसका उपाय कैसे करेंगे, तो मध्यकर्ण और अंतःकर्ण दोनों में जो खराबी हुई है तो ऐसे दोष के लिए आपको बोन कंडक्शन के माध्यम से, ठीक है आप ध्यान रखिएगा, एक तो बोन कंडक्शन हो जाएगा उसके माध्यम से और एक एयर कंडक्शन के माध्यम से आप उन्हीं का उपचार करेंगे, और यह उपचार चिकित्सकीय शल्य व्यवस्था के माध्यम से ही करेंगे, पुनर्वास के माध्यम से ही करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ों पर हमें ये चीज़ें भी देखने को मिलती है कि चिकित्सकीय और शल्य चिकित्सा थोड़ी सी प्रभावित होती है, तो यदि प्रभावित नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन पर हम ये बात भी कह सकते हैं कि इनको पुनर्वास के माध्यम से भी कर सकते हैं आप, तो पुनर्वास के माध्यम से इनको कर दीजिए, ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन करना है आपको। तो ये थे आपके टाइप, प्रकार थे, तीन प्रकार के जो चीज़ें मैंने बताया है आपको ये थे श्रवण दोष के। तो इसको ये सारे के सारे जो चीज़ थी वो थे इम्पोर्टेंट श्रवण दोष के। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ें समझ लिया होगा कि श्रवण दोष में जो प्रकार है चलित क्या है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलित के साथ साथ आपको बताऊं तो आपको पता हो गया होगा संवेदी और मिश्रित भी, और आपको सेंट्रल श्रवण दोष भी पता चल गया होगा, और नॉन ऑर्गेनिक
आपको पता चल गया होगा। अच्छा, एक होता है ऑर्गेनिक, आपने समझ लिया कि नॉन ऑर्गेनिक यो होता है, तो ऑर्गेनिक क्या होता है जरा मुझे बताएंगे क्या आप लोग? ऑर्गेनिक फिर क्या हो सकता है? चलिए, ऑर्गेनिक शायद नहीं है यहाँ पर, नहीं ऑर्गेनिक नहीं है पीडीएफ में, चलो मैं बताता। देखो ऑर्गेनिक नहीं है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ऑर्गेनिक होता है उसको उसको बोला जाता है कायिकिक, या बोलते हैं जो कायिक बोलते हैं ना। तो इसमें जब व्यक्ति के कान के किसी भी भाग में क्षति हो जाए, किसी भी भाग में, कान के किसी भी भाग में क्षति हो जाता है तो उसे श्रवण समस्या हो जाती है, तो वो कायिकी बोला जाता है, उसको ऑर्गेनिक बोला जाता है। और नॉन ऑर्गेनिक क्या होता है कि शारीरिक संरचना में होता है वो, तो वो नॉन ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, वंशानु जो मैंने अभी आपको हेरिडिटी, हेयरिंग लॉस भी बताया है कल वाली क्लास में, तो जब श्रवण दोष गुणसूत्रों की अनियमितता के कारण होता है तो वह एक वंश से दूसरे वंश में चला जाता है, तो हेरिडिटी जिसको आप अनुवांशिक, तो ये इजिली आप एग्जाम में पहचान भी जाएंगे इसको, इसको आप इजिली पहचान भी जाएंगे। और जन्मजात की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों से कॉग्निशियल के बारे में लास्ट वाली क्लास में बताया भी था कि जन्म के समय किसी भी कारण से होने वाला जो श्रवण दोष होता है वो जन्मजात हो जाता है, तो वंशानुगत प्रसव पूर्व प्रसव के दौरान हो सकता है, ऐसी कंडीशन जो है रखा जाता है जन्मजात में। ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया। एक्वायर हियरिंग लॉस बता दिया। प्री लिंगुअल मैंने आप लोगों से कल बताया भी था भाषा विकास के श्रवण दोष कौन कौन से होते हैं। जब किसी बच्चे में वाणी और भाषा का जो विकास होता है वो आयु से पहले की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए, आयु से पहले की बात हो जाए, तो श्रवण समस्या जब उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं भाषा विकास पूर्व श्रवण दोष बोलते हैं, आयु से पहले। और अगर आपसे कहा जाए पोस्ट लिंगुअल, तो वाणी और भाषा का विकास समय के उपरांत होने वाला श्रवण दोष, यानी पश्च भाषा, तो यानी बाद की बातें हो जाती है आय के अनुसार वाला। तो ये कंडीशन आप लोग इसको देखे रहिएगा, यह इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे चीज़ें जो मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ। ठीक है, सडनली होता है एक हियरिंग लॉस। सडनली का मतलब आप जानते होंगे, जब किसी व्यक्ति में श्रवण अचानक हो जाता है या तांत्रिक आकस्मिक चोट लग जाए, दुर्घटना के कारण हो जाए, तो ये भी हो जाता है आकस्मिक। ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है समृद्ध या संवर्धित बोलते हैं इसको, और संवर्धित में जैसे चोट दुर्घटना के कारण व्यक्ति में श्रवण समस्या की गंभीरता बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे गंभीरता बढ़ती जा रही है, तो यह नाम रखा गया संवर्धित समस्या, संवर्धित श्रवण समस्या इसका नाम रखा गया है। और इसमें कान का बाहरी भाग और बाह्य मध्य तीनों चीज़ें शामिल हो जाती हैं इन चीज़ों में। ठीक, और उसी को बोलते हैं संवर्धित प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस भी बोलते हैं उसी को। तो इतनी हेयरिंग लॉस जो मैंने आपको बताया है इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें, है ना भाई? चलिए, इतना तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, जरा एक बार कन्फर्म करिए। एक मिनट,